ऑलराइट सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। और आज मैंने दो दिन से ब्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, मैं कहीं गया था बाहर। और कल हमारे नानी जी कोरोना का बीच का वैक्सीन लेने गया था सेकेंड बार का, बट इसने नानी के रात को जुकाम मतलब फीवर लग गया इतना तेजी से कि रात को 12 बजे हम देखने गए। बट क्या ठीक ही है, हमने ऐसा ही चल गया। और हमारे इधर कुछ नया चीज़ वगैरह आपको दिखाता है, चलिए दिखाते हैं। बट हमारे इधर नया मुर्गियों का क्या हुआ है आपको दिखाता है, तो आपको जो करके दिखाते हैं इधर देखिए, तो मुझे बहुत डर लगता है, दूर से दिखाता हूँ। तो वो वाला देख सकते हैं, वो वाला व्हाइट वाला बहुत क्यूट लगता है मुझे, वो अच्छा लगता है। बट मुझे और वो वाला भी अच्छा लगता है, ये मज़ा तो देखने ऐसे करने में ही ख़त्म कर देगा, हमारा जीवन ख़त्म कर देगा। रे हमारे बड़े पापा जी को इस तरह से होता कि वो एक जैसा बच्चा हो जैसे, तो हमारे जैसे बच्चों को कैसे किरदार रहेगा ये। मैंने सोचा कि एक ले आओ, बट इसने उसे कितना चोट मारेगा मुझे ही पता नहीं है। और 10 बच्चे हुआ है और मुझे अच्छा था क्यूट वाइट ए बार अच्छा अच्छा लगता है। बट इसने लड़कियों का कुछ जाहिर ना होता है नाम का, वो इसे अपने लगा लिया है, तो देख लीजिए। और एक और खुशखबरी में मेरा कहती है भू बेचने वाला भू, ये खुशखबरी है। बट ऐसा बहुत जल्दी बड़ी खबर है, मेरा कहती है बेचने वाला हू, तो पैसा आखिरी बार देख लीजिए इसको। और आसान नहीं देखने वाला होगा क्योंकि KTM का बेचा जाएगा, तो आप दिखा दो। चलिए चलिए हमारे साथ, बट इसके लिए आपको दिखाते हैं, चलिए। Hold me close till I get up, time is barely on our side. क्यूट है यार गाइस, पर मम्मी जी को भी कल इसने सूट मार के सर से कुटा दिया। हमारे बच्चा को नहीं बोला भाई तू जैसे दूर रह, देख लो हमारे बच्चा कितने क्यूट है। मैं चाहता तो इनको क्यूट लगता है, का पिक्चर ले लेता हूँ, सिम करके भी ले लेता हूँ, तो मदर का भी। बट गाइस ये सब बहुत अच्छा लगता है, मुर्गियों का बच्चा और बतख का बच्चा तो इतना क्यूट लगता है कि आपको पकड़ के आपके साथ सोला देना चाहिए, इतना क्यूट है। तो दिखा देंगे कभी एक साल बाद उनका भी बच्चा हो गया, जब अल्लाह इसको सबको बचा लेगा तब तक। और आपको फिर से एक जूम करके दिखा देता हूँ, बस बहुत अच्छा लगता है मुझे इन सारे बच्चे। बट एक चीज़ अच्छा नहीं लगा कि वो सब बट 10 से ज़्यादा एक ही वाइट है। देखो बतख सब आ गए, आप सुन करके दिखा रहे बतख सा, और बतख पहले 6 हुआ था, 6 2 मर चुके हैं क्योंकि एक का तो पानी में, एक का कुछ मतलब क्या बोलूँ कुछ मतलब बीमारी हो गया था इसलिए वो मर गया। मतलब इसका गल इस तरह से नहीं होता था इन बताखों का जैसे, बट इसका गल ऐसा होता था कि ऐसा, बट इसलिए उसको और उसके ऊपर चीटियों ने भी काट के देखभसन कर ही दिया। रात को 2 बजे उसका देखभसन होकर पूरे पानी में फेंक दिया, इसको पानी में फेंक दिया, सब बोल दिया पानी में नहीं फेंक दिया, दफन कर दिया इधर, कबर इधर नहीं है और वही दूर में गया। बट एक और किस्सा हमारा, हमें भी नहीं पता वहाँ हमने गया तो हमारा मतलब बाहर मैकता मतलब जो देख सकते पौधे जूम कर दिखा देता हूँ, बट उनके बीच पे वो मर चुका था, सो देखा नहीं पाया। और मतलब और रहा है, और देखिए हमारे अबू जी को भी इतना अच्छा नहीं लगता, बट उसमें केयर हो रहा है, तो इधर क्यों बेचा, तो अपने बच्चों के साथ नहीं बेचोगे। और हमारे फलों भी ख़त्म होने वाला है, तो आखिरी बार देख लेते हैं, इन सबको भी खाना पड़ेगा। और कहते हैं हमको भी आखिरी बार ऐसे देख लेते हैं,
थोड़ा बाहर दिखाते हैं, बाहर का नज़ारा गाइस। बाहर क्या रोड को दिखाएंगे यार, क्या दिखाने वाले हैं तो चलिए गाइस। और रोड को दिखाने वाले थे बट इससे मतलब जो होने वाला था रोड प्रोटेक्शन साइड वो बंद हो रहा है करीब 2 महीने बाद कंस्ट्रक्शन करने वाला है। तो बताओ सब बाहर चलते हैं हम लोग भी इधर, और मतलब इधर आपको दिखाते हैं पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा मतलब इधर ही हो रहा है और नीचे बेचे कितने बेहतर है, फिर बाहर नहीं जाएंगे। और घर में अंदर चलते हैं, चलिए। आज फिर आ गया और आज मोबाइल का नेट भी खत्म होने वाला है 12 बजे, सो वही वीडियो अपलोड कर देना पड़ेगा और ये चीज़ सब करना पड़ेगा, और ये चीज़ सब करने के बाद ही होगा। और मैंने कह दिया से इंस्टाग्राम का मतलब फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, जाओ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मतलब चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से करो। और एक चीज़ बताना है कि मैं सर में जल्दी से गूगल में हेल्प कीजिए, और आज कल ब्लॉगिंग में कहते हैं